अपील तो आप वक्त वक्त पे जब भी आवश्यकता होती है श्रद्धालुओं को सचेत करने के लिए या सूचना देने के लिए या निवेदन करने के लिए ट्रस्ट बराबर करता रहता है। उसी में ये भी है, इधर कुछ शिकायतें आ रही थी कि लोग जो हैं आरती के नाम पर या जन्मभूमि दर्शन के नाम पर धन उगाही कर रहे थे और उसमें ट्रस्ट के ऊपर भी आरोप लग रहा था। हालांकि ट्रस्ट में ऐसे कोई आदमी नहीं जो ये काम करते हो, लेकिन पुलिस के लोग या अन्य दलाल लोग लगे हुए थे जो पैसा लेकर दर्शन करा रहे थे और नाम बदनाम ट्रस्ट का हो रहा था। तो अपील की गई है कि कोई धन दे करके दर्शन ना करें, आराम से दर्शन हो रहे हैं, दर्शन के लिए 3-3 लाइनें लगी हुई हैं। और अच्छा ये रहे कि आप सामान ना लेकर के आए तो आपका दर्शन और सुगम होगा, जूता चप्पल ना पहने हो, मोबाइल घड़ी आदि ना हो। तो जो हमने एक नई फास्टैग लाइन बनाई है उससे आप सीधे दर्शन करने चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन सब लोगों के छलावा ना आए कि हम VIP दर्शन करा देंगे, हमारे यहाँ VIP दर्शन का कोई काम ही नहीं है। सब हमारे प्रभु राम के दरबार में सब जन सामान बराबर है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है ना कोई VIP है। तो लेकिन आजकल के युग आ गया है कि VIP के नाम पर लोग पैसा दे देते हैं। और आरती के पास भी हम बना रहे हैं, सुग्रीव किला पे हमारा काउंटर है, दर्शन के लिए समय मंदिर का नियुक्त है 6:30 से 12 बजे तक, 1 बजे से शाम को 9:30 बजे तक, और रात की आरती सुबह 4 बजे की आरती, सुबह 6 बजे की आरती इनके पास बन रहे हैं। ऑनलाइन भी पास निर्गत हो रहे हैं, ऑनलाइन आप बना सके तो ले लें, नहीं हमारे काउंटर से जो सुग्रीव किला पे मौजूद है वहाँ से पास अगर शेष होंगे क्योंकि लिमिटेड बनते हैं, आप पास बनवाइए, आरती में प्रभु की भाग लीजिए और अयोध्या आकर के ठगों से बचिए, आराम से दर्शन कीजिए और अयोध्या घूम के अयोध्या में तीर्थ यात्रा करके निश्चित घर वापस आइए।